हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडीएफ गुरु एकेडमी। पीडीएफ गुरु एकेडमी के इस चैनल पे आपका स्वागत। और फ्रेंड्स, जैसा कि हम टेस्ट पेपर डिस्कस कर रहे थे, और अभी तक हमने 4 टेस्ट पेपर डिस्कस कर लिए हैं, और ये जो टेस्ट पेपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये 5वां टेस्ट पेपर होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पीडीएफ गुरु एकेडमी पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। तो फ्रेंड्स, ये जो टेस्ट पेपर होगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, जैसे आरआरबी जेई हुआ, एनटीपीसी हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, और ग्रुप डी एग्जाम के लिए, तो इन सब एग्जामों को देख कर ये बनाया गया। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है? तो भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर है उसका नाम अप्सरा है, यानी इसका जो सही आंसर है हमारा ए है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को जो राइट आंसर हमारा ए है, यानी भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर है उसका नाम है अप्सरा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? डीडीटी, इसे बोलते हैं डीडीटी। डीडीटी की खोज किसने की थी? डीडीटी की खोज की थी डॉक्टर पॉल मुलर ने, यानी इसका जो राइट आंसर हमारा सी है। तो कभी कभी डीडीटी का पूरा नाम भी पूछ लेता फ्रेंड्स एग्जाम में, तो इसका जो पूरा नाम है डाइक्लोरोडाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। एक बार फिर से आप ध्यान से सुनिए और इसको नोट कर लीजिए, डाइक्लोरोडाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। और कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि डीडीटी का उपयोग कहाँ किया जाता है। फ्रेंड्स, जो मच्छर होते हैं, जिनसे मलेरिया होता है, जो खटमल होते हैं, जो चारपाई वगैरह में पाए जाते हैं, उनको नियंत्रित करने के लिए, उनको मारने के लिए डीडीटी का, यानी डाइक्लोरोडाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन का उपयोग किया जाता है। बात करते हैं हम पिनमैन का। पिनमैन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अल्ट्रा किरणों से चिकित्सा की खोज की थी, और जान ई जो साल्क थे, इन्होंने पोलियो का टीका का आविष्कार किया था, और जो जी डोमाक थे, इन्होंने सल्फर ड्रग्स की खोज की थी। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है, डीडीटी की जो खोज की थी डॉक्टर पॉल मुलर ने किया था, पिनमैन जो थे अल्ट्रा किरणों से चिकित्सा की खोज की थी, और जान ई साल्क जो थे पोलियो का टीका का आविष्कार किया था, और जी डोमाक थे उन्होंने सल्फर ड्रग्स का आविष्कार किया था। और डीडीटी का पूरा नाम है डाइक्लोरोडाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, और इसका उपयोग किया जाता है मच्छरों और खटमलों को मारने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो विक्रम साराभाई थे। विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष थे, यानी इसका जो राइट आंसर हमारा ए है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स, पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, और जो ट्रेजर जो थे उन्होंने एस्पिरिन की खोज की थी, और जो वैक्समैन थे वो स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किया था उन्होंने, और जो लुइस पाश्चर थे उन्होंने रेबीज के टीके की खोज की थी। तो पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यानी इसका जो राइट आंसर हमारा बी है। और ट्रेजर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एस्पिरिन की खोज की थी, और वैक्समैन जो थे उन्होंने स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की थी, और लुइस पाश्चर जो थे रेबीज के टीके की खोज की थी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो जिसे बोलते हैं, ये भारत की स्पेस एजेंसी है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1969 में, यानी जो इसका राइट आंसर हमारा डी है। फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसे पूछ लेता कि इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, और इसरो के प्रेजेंट टाइम में जो चेयरमैन है वो के सिवान है इसरो के प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर स्थित है ट्रांबे में भारत का पहला परमाणु रिएक्टर स्थित हो, यानी इसका जो राइट आंसर हमारा ए है। क्वेश्चन नंबर 7, होम्योपैथिक चिकित्सा के जनक कौन थे? होम्योपैथिक चिकित्सा के जनक थे हैनीमैन। इसका शॉर्टकट है याद करने का, एच से होम्योपैथिक, एस से हैनीमैन, तो आप इससे ऐसे तैयार कर सकते हैं। तो होम्योपैथिक चिकित्सा के जो जनक थे वो हैनीमैन थे, और जो जोसेफ लिस्टर थे इन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज की थी, और जो जेम्स हैरिसन थे उन्होंने क्लोरोफार्म की खोज की थी, और जो ह्यूगो डुब्रिस थे उन्होंने उत्परिवर्तन सिद्धांत को दिया था। एक बार फिर से सुन लीजिए,
जो होम्योपैथिक चिकित्सा के जनक थे वो हैनीमैन थे, जोसेफ लिस्टर जो थे एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज की थी, और जेम्स हैरिसन ने क्लोरोफार्म की खोज की थी, और ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? कल्पना चावला का जन्म हुआ था करनाल, तो करनाल है हरियाणा में, यानी इसका जो राइट आंसर है हमारा ये है। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता कि करनाल कहाँ स्थित है और इज्जत नगर कहाँ पे है, तो फ्रेंड्स करनाल हरियाणा में है, इज्जत नगर आपका यूपी बरेली में है, और पटना तो आपको पता है बिहार में, और कोलकाता आपको पता है वेस्ट बंगाल में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किया था जोसेफ लिस्टर ने, जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किया था, यानी इसका राइट आंसर बी है। और एडवर्ड जो जेनर थे उन्होंने चेचक के टीका का आविष्कार किया था, और रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने कोशिका का आविष्कार किया था। और रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट कोच में आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि रॉबर्ट जो कोच थे उन्होंने हैजा का टीका और टीबी जिसे ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं के कीटाणु की खोज की थी, और जो लुवेन हॉक थे उन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी। तो एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किया था जोसेफ लिस्टर ने, और एडवर्ड जो जेनर थे उन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया था, और रॉबर्ट हुक ने कोशिका का आविष्कार किया था। और रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट कोच में कंफ्यूज मत होइएगा, रॉबर्ट कोच हैजा का टीका और टीबी के कीटाणु का आविष्कार किया था, और जो लिविन हॉक थे उन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया था? भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर प्रारंभ किया था तारापुर में, तारापुर में, यानी इसका राइट आंसर हमारा सी है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, भारत के पृथ्वी प्रक्षेपण की तुलना रूस के किस प्रक्षेपात्र से की जाती है? तो भारत के पृथ्वी प्रक्षेपात की तुलना रूस के अस्कंड से की जाती है, यानी इसका जो राइट आंसर हमारा सी है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी कल्पना चावला, कल्पना चावला का जन्म हुआ था करनाल जो कि हरियाणा में है, और जो यहाँ पे बछेंद्री पाल जो दे रखा, बछेंद्री पाल जो थी एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिलाएं थीं, और जो यहाँ पे संतोष यादव हैं, संतोष यादव एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला थीं। तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसका जो राइट आंसर हमारा कल्पना चावला, यानी भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री जो थी वो कल्पना चावला थी, और एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी वो बछेंद्री पाल थी, और एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली जो महिला थी वो थी संतोष यादव। जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? जेनेटिक कोड की खोज किया था उन्होंने हरगोविंद खुराना ने, हरगोविंद खुराना ने, यानी इसका जो राइट आंसर हमारा डी है। और जो लुईस पास्चर थे इन्होंने खोज की थी रेबीज के टीके का आविष्कार, और जोन्स जो सॉल्क थे इन्होंने पोलियो का टीका का आविष्कार किया था, और जो पिनमैन थे अल्ट्रा किरणों से चिकित्सा की खोज की थी, अल्ट्रा किरणों से चिकित्सा की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 14, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो फ्रेंड्स उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था ह्यूगो डी ब्रिज ने, यानी इसका जो राइट आंसर हमारा डी है। और जो मेंडलीव जी थे, मेंडलीव ने क्या दिया था, आवर्त सारणी में अपना आवर्त के नियम दिए थे, जिसके अनुसार आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा गया है, और उसके बाद ये इनका जो नियम था सफल नहीं हुआ। उसके बाद मोजले साहब आए, मोजले साहब ने आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा, और इनका ये नियम काफ़ी सफल हुआ और आज भी ये यूज होता है। और जो डार्विन थे, डार्विन ने क्रमानुगत विकास का सिद्धांत दिया था। तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है वो दिया था ह्यूगो डी ब्रिज ने, यानी इसका जो राइट आंसर हमारा डी है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो रक्त परिवहन की खोज की थी विलियम हार्वे ने, यानी इसका जो राइट आंसर हमारा ए है। और रॉबर्ट जो कोच थे उन्होंने हैजा और टीबी के टीका का आविष्कार किया था, और जो रोनाल्ड राज थे उन्होंने मलेरिया के कीटाणु की खोज की थी, और जो बैंटिंग थे वो डायबिटीज की खोज की थी, यानी विलियम जो हार्वे थे वो रक्त परिसंचरण की खोज की थी, रॉबर्ट कोच हैजा और टीबी के टीके की खोज की थी, और रोनाल्ड राज ने मलेरिया के कीटाणु की खोज की थी, और बैंटिंग ने डायबिटीज की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, श्री हरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? श्री हरिकोटा
प्रक्षेपण केंद्र स्थित है आंध्र प्रदेश में, यानी 16 का राइट आंसर है हमारा बी। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ स्थापित किया था? भारत ने अपना परमाणु विस्फोट स्थापित किया था तारापुर में, यानी क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हमारा ए है। सॉरी, भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट किया था पोखरण में, पोखरण है हमारा राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट किया था 18 मई 1974 को। 18 मई 1974 को भारत ने अपना परमाणु विस्फोट किया था, यानी इसका राइट आंसर हमारा बी है। परमाणु ऊर्जा, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में की गई थी? परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के अध्यक्षता में, यानी इसका जो राइट आंसर हमारा ए है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह है इनसेट 2A। इनसेट 2A भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि रडार का अर्थ क्या होता है, यानी रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रडार का पूरा नाम है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग रडार का पूरा नाम है, यानी इसका राइट आंसर हमारा ए है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसे BARC बोलते हैं, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसकी स्थापना हुआ था 1954 में, यानी इसका राइट आंसर हमारा डी। और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के जो फाउंडर थे होमी जे भाभा थे, और इसका जो हेडक्वार्टर है ट्रांबे मुंबई, जो कि महाराष्ट्र में है, और इसके प्रेजेंट टाइम में जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती हैं। डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती डायरेक्टर हैं BARC के, यानी बार्क के। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र स्थित है गोवा में, यानी इसका जो राइट आंसर हमारा बी है। मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी? मलेरिया के कीटाणु की खोज की थी रोनाल्ड रॉस ने, और जो इवानोस्किक है इन्होंने वायरस की खोज की थी, यानी विषाणु की खोज की थी, और इयान बिलकुट जो थे इन्होंने क्लोनिंग तकनीकी की खोज की थी, और जो एजी टानसन जो थे उन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र की खोज की थी। एक बार फिर से सुन लीजिए। मलेरिया के कीटाणु की खोज की थी रोनाल्ड रॉस ने, यानी इसका राइट आंसर ए है, और इवानोस्की ने वायरस की खोज की थी यानी विषाणु, और इयान बिल्कुल क्लोनिंग तकनीकी की खोज की थी, और एजी जो टांसले थे उन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ मूव करते हैं। डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए डाई न्यूक्लिक एसिड, इसकी खोज की थी वाटसन एवं क्रिक ने, और कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता आरएनए की खोज किसने की थी, तो आरएनए की भी खोज की थी वाटसन एवं आर्थर अर्क ने। आपको कैसे याद करना, देखिए आरएनए आरएनए की खोज की थी वाटसन एवं, अब लास्ट में ए आ रहा है तो उसका मतलब अर्क, यानी वाटसन एंड अर्क ने, और डीएनए की खोज की थी वाटसन एंड क्रिक ने, और बैंटिंग एवं बेस्ट जो थे, बैंटिंग एवं बेस्ट खोजे थे इंसुलिन की खोज, और रॉबर्ट जो खोज थे हैजा टीबी का टीके की खोज किया था, और जो ईवर्स थे उन्होंने टाइफाइड के कीटाणु की खोज की थी। यानी जो 25 नंबर जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है वाटसन एवं क्रिक। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज किसने की थी, फर्स्ट ऑप्शन है बैंटिंग एवं बेस्ट, डोमेक ने, सी रोनाल्ड रॉस ने, डी हार्वे ने। तो इंसुलिन की खोज की थी बैंटिंग एवं बेस्ट ने, बैंटिंग एवं बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। जमीन से आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपपात्र आकाश का सफल परीक्षण कब किया गया था? जमीन से आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपपात्र आकाश का सफल परीक्षण किया गया था 1990 में, यानी इसका जो राइट आंसर हमारा डी है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ था? महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन हुआ था 2003 में, यानी इसका जो राइट आंसर हमारा बी है। 29 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा? राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
परिषद की स्थापना हुई थी 15 अक्टूबर 1990 में, यानी इसका राइट आंसर हमारा बी है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? विकासवाद का सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने, यानी क्रमानुगत विकासवाद का जो सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने। और जो ह्यूगो डूब्रिस थे उन्होंने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था, और रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, और लुइस पाश्चर ने रेबीज के टीके का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 31, हैजा के टीके की खोज किसने की थी? तो हैजा के टीके की खोज की थी रॉबर्ट कोच ने, यानी राइट आंसर इसका ए है। और रोनाल्ड जो रास थे इन्होंने मलेरिया परजीवी की खोज की थी, और जो यूरिन कॉमेट है उन्होंने BCG का टीके का आविष्कार किया था। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर हमारा ए है, यानी हैजा के टीके का खोज किया था रॉबर्ट कोच ने। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं, जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज की थी ल्यूवेन हॉक ने, ल्यूवेन हॉक ने जीवाणु की खोज की थी, यानी इसका राइट आंसर हमारा ए है। और जोन्स साल्क ने पोलियो के टीके का आविष्कार किया था, और रॉबर्ट हुक ने कोशिका का आविष्कार किया था। 33 क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी? भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना हुई थी 1987 में, यानी इसका जो राइट आंसर हमारा बी है। क्वेश्चन नंबर 34, हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी? हृदय प्रत्यारोपण की खोज की थी क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, और एडवर्ड जो जेनर थे उन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया था, और यूएन जो ब्रह्मचारी थे उन्होंने कालाजार बुखार की खोज की थी, और जो जी डिमॉक है उन्होंने सल्फा ड्रग्स की खोज की थी। जी डिमॉक सल्फा ड्रग्स की खोज किया था, और यूएन ब्रह्मचारी कालाजार बुखार के, और एडवर्ड जो जेनर थे उन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार, और हृदय प्रत्यारोपण हार्ट ट्रांसप्लांटेशन का खोज किया था क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, यानी इसका जो राइट आंसर हमारा बी है। भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया था? भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट किया था 13 मई 1998 को, यानी इसका जो राइट आंसर हमारा डी है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं, मानव निर्मित प्रथम उपग्रह कौन था? तो मानव निर्मित प्रथम उपग्रह था स्पुतनिक 1, स्पुतनिक फर्स्ट मानव निर्मित प्रथम उपग्रह था, यानी इसका जो राइट आंसर हमारा सी है। क्वेश्चन नंबर 37 और आज का आखिरी क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज की थी लुइस पाश्चर ने, और जो ट्रेजर जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने एस्पिरिन की खोज की थी, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, और जो वैक्समैन थे इन्होंने स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की थी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा टेस्ट पेपर 5, जो कि RRB JEE NTPC और ग्रुप डी एग्ज़ाम तथा एंड अदर एग्ज़ाम जैसे SSC CGL हुआ, UPSC हो गया, इन सब एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आप हमारे चैनल PDF गुरु एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। हम फिर मिलते हैं कल टेस्ट पेपर 6 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।